सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, 7 नंबर को कई कल्चर्स में लकी बताया गया है। हिंदू धर्म में 7 फेरे 7 वचन होते हैं, यहाँ तक कि इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट 7 ओशियन और 7 अजूबे हैं। मगलू संसार के साथ साथ विजार्डिंग वर्ल्ड में भी 7 नंबर को लकी और मैजिकल नंबर माना जाता है और जेके रोलिंग ने भी हैरी पॉटर बुक मूवी में 7 नंबर को कई बार इसीलिए बताया और दिखाया गया है, शायद इसी वजह से ही। तो आज हम लोग बात करने वाले कि हमें हैरी पॉटर सीरीज में कहां कहां 7 नंबर जैसे संदेश जो है देखने को मिले थे। तो सबसे पहली बात, हैरी पॉटर की जो बुक है वो 7 बुक है। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, चैम्बर ऑफ द सीक्रेट, प्रिजनर ऑफ अस्कबान, गॉबलेट ऑफ फायर, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, हाफ ब्लड प्रिंस और डेथली हैलोज। यहाँ तक कि हॉगवर्ट्स में भी 7 ईयर होते हैं और हॉक्रक्स भी 7 ही थे। अब मिस्टर और मिसेस वीजलीज के जो चिल्ड्रन थे वो भी 7 थे, रॉन, जिनी, फ्रेड, जॉर्ज, बिल, पर्सी वीजली और चार्ली वीजली। और दोस्तों, यहाँ तक कि जो प्लेयर होते हैं क्विडिच में वो भी 7 ही होते हैं और जो फाउल्स होते हैं क्विडिच में वो 700 होते हैं, लेकिन 700 में भी हमें 7 नंबर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, हॉगवर्ट्स इतना बड़ा है, कभी आपने सोचा है कि इसमें कितने फ्लोर होंगे? तो दोस्तों, हॉगवर्ट्स में 7 फ्लोर होते हैं और 7 नंबर हमें हॉगवर्ट्स के फ्लोर पर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ तक सिर्फ इतना ही नहीं, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन में हमने जो टास्क देखे थे एंडिंग के सीन के दौरान, लेकिन हमें मूवी में सिर्फ 3-4 टास्क दिखाए गए थे, लेकिन बुक में हमें 7 टास्क के बारे में बताया गया है। यानी यहाँ पर भी हमें 7 टास्क देखने को मिलते हैं, तब जाकर वो क्विल तक पहुँच पाता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और निकल कर आता था कि हॉगवर्ट्स में जाने के 7 रास्ते हैं, यानी 7 सीक्रेट रास्ते हैं हॉगवर्ट्स तक जाने के लिए। अब दोस्तों, हैरी का जो क्विडिच नंबर था, जो उसके ड्रेस के पीछे था, वो नंबर 7 था, यहाँ पर भी 7 नंबर था। और जेबिनी की जो माँ थी, उसने 7 बार शादी करी थी। आप में से बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन उसने 7 बार शादी करी थी और ये भी विजार्डिंग वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज में हमने देखा था मैलफॉय मैंशन में जो है प्रिजनर में बहुत सारे कैदी बंद होते हैं और वो जो कैदी थे वो भी 7 ही थे, रॉन वीजली, हरमाइनी ग्रेंजर, हैरी पॉटर, ग्रीफॉक, लूना लवगॉड, डीन थॉमस और मिस्टर ओलिवेंडर। और हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर को तो हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने फेक मूडी का रूप ले लिया था, यानी बार्टी क्राउच जूनियर ने। लेकिन क्या आपने गौर करा था कि मूडी का जो वो ट्रंक था उसमें जो लॉक है वो 7 लॉक है, उसने 7 ताले लगा रखे हैं उसके भी अंदर। अब दोस्तों, एक बात आप लोगों को मैं और बता दूं, 20th सेंचुरी में 7 एनमेगस जो है रजिस्टर हुए थे और इन केसेस में भी हमें 7 नंबर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, एक एग्ज़ाम होता है ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल का और उस एग्ज़ाम में हैरी और रॉन को 7 OWL मिले थे, वो दोनों 7 ही अर्न कर पाए थे और बाकी हरमाइनी ने उनसे ज़्यादा कर लिए थे। अब दोस्तों, क्या आप लोगों को कभी पता है कि ग्रिफिंडर का जो कॉमन रूम है वो कौन से फ्लोर पर है? तो वो 7th फ्लोर पर है। और अब दोस्तों, आप लोगों को जेम्स और लिली तो ऑब्वियसली याद ही होंगे, तो क्या कभी आप लोगों को पता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना कौन से ईयर में स्टार्ट करा था? तो दोस्तों, वो ईयर भी 7th था। जी हाँ, आपने लास्ट के ईयर में यानी 7th ईयर में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करा था और तभी दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ गए थे। अब दोस्तों, आप लोगों ने गौर करा होगा चैम्बर ऑफ सीक्रेट में जो गेट था जिससे चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुलता है, उस पर जो सांप है, मतलब जो सांप थे, वो भी 7 है जिससे वो खुलता था। और दोस्तों, नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि डंबलडोर पुट आउट 7 लाइट्स इन प्रिविट ड्राइव और ये भी 7 ही नंबर को शो करता है। और हैरी और नेविल का जो जन्म है वो भी सेम मंथ में है, जुलाई में, और जुलाई जो है 7th मंथ में भी गिना जाता है, हम लोगों को पता ही है। और दोस्तों, वोल्डेमॉर्ट ट्राई एंड फेल टू किल हैरी 7 टाइम्स, ये भी हमें 7 नंबर को ही शो करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे इंसिडेंट है, लाइक मैलफॉय मैंशन में 7 प्रिजनर्स और मूडी के 7 लॉक और जेम्स लिली का आपस में 7th ईयर में डेट करना, ये सब हमें 7 नंबर दिखाता है। और शायद हो सकता है कि जेके रोलिंग भी हमें बताना चाहती हो कि उसका जो फेवरेट नंबर है वो 7 नंबर है, क्योंकि वो 7 नंबर को कुछ ज़्यादा ही लकी नंबर मानती हो और उन्होंने 7 ज़्यादा चीज़ें या इंसिडेंट इसलिए डाल रखी हो क्योंकि वो चाहती हो कि ये बुक और भी ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि ये उनके लिए एक लकी नंबर हो सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यार 7 नंबर से इतने सारे इंसिडेंट तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते थे सिर्फ 7 हॉक्रक्स ही और 7 बुक और 7 ईयर्स ही, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी है। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड।